आज हमारे साथ में सरमतुरा के अंतिम सरपंच और सरमतुरा नगर पालिका के मनोनीत चेयरमैन जलाल खान मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि आज सरमतुरा के बारे में इनका क्या कहना है, विकास के लिए क्या आयाम स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आपका भव्य वसुंधरा चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आप सरमतुरा के अंतिम सरपंच भी रहे और सरमतुरा नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन भी बने, विकास को लेकर के आपकी भावी क्या क्या योजनाएं हैं? नमस्कार सर। सरपंच रहते हुए करीब 14-15 महीने हो गए सर मुझे। अब राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका का चार्ज अध्यक्ष बनाया गया मुझे। ग्राम पंचायत सरमतुरा में हमने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं सर। अब जो कि नगर पालिका बन चुकी है, विकास कार्य भी ज़्यादा होंगे, बजट भी आएगा, बजट भी ज़्यादा होगा सर, संसाधन जुटाएंगे और संसाधन जुटाएंगे, अपनी जो सड़क है, लाइट्स हैं और जो भी नगर पालिका में संसाधन जो नगर पालिका में कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, पूरा कार्य करने की हम कोशिश करेंगे। सरमतुरा में अक्सर देखा गया है गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। आज सरमतुरा में लोकेन और मंत्री फाउंडेशन द्वारा इसकी सफाई कराई जा रही है। नगर पालिका में अभी बजट का अभाव भी देखने को मिला है, लेकिन सफाई के लिए आपके द्वारा ऐसे क्या ठोस योजनाएं बनाई जाएंगी जिसके चलते सरमतुरा स्वच्छ और साफ सुथरा रह सकता है? सर, सफाई के लिए नगर पालिका में जो संसाधन आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, घर घर जाके कचरा लेके आएंगी, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने घर के आगे कचरा पात्र रखें, सफाई कर्मी भी लगाएंगे। सफाई कर्मी के अलावा जो हल्के में जो काम करते हैं सफाई कर्मी वो भी रहेंगे, और जो भी संसाधन होते हैं कचरा यहाँ से उठाने के लिए बहुत हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सफाई यहाँ हो सके। आप करीब 15 महीने, आपने बताया अभी 15 महीने सरपंच रहे, उस कार्यकाल में और चेयरमैन के कार्यकाल में आपको क्या समानताएं नजर आती हैं और क्या कठिनाइयां नजर आती हैं, एक बार उनको भी बताएं। सर, कठिनाइयां और समानता तो एक ही है, और ग्राम पंचायत में विकास बजट के हिसाब से थोड़ा कम होता है। नगर पालिका में बजट ज़्यादा आता है, विकास अच्छा होता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसमें सफाई भी अच्छी होती है, और यहाँ से अपने कचरा ढोने के यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हमने एक प्लांट बनाएंगे वहाँ, जिससे अपने कचरे को एकत्रित करके उसको नष्ट कर सके। नवगठित नगर पालिका में एक ऐसी कोई स्कीम बताएं जो कि आपके मुख्य उद्देश्य में शामिल है कि जिससे सरमतुरा में एक नया आयाम स्थापित हो सके। सर, नगर पालिका में नया है तो यही है, कुछ लोगों ने क्या है रास्तों में अतिक्रमण कर रखे हैं, बाजार में अतिक्रमण कर रखे हैं, सरकारी जगह है, सिवाई चेक जगह है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। उन लोगों से अपील करके, आग्रह करके उन लोगों से यही कहना है कि सरकारी जमीन है उनको सरकार के लिए दिया जाए, लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं उनके लिए अभियान चलाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों अब हमने देखा कुछ समाचार पत्रों में भी और कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी खबरें चली, सरमतुरा एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ से औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनसे जो स्लरी निकलती है उसमें बेजबान जो जानवर हैं वो अक्सर फंसते हुए नजर आते हैं, उसके लिए आप क्या योजना अमल में लाएंगे ताकि बेजबान जानवर उस स्लरी में ना फंस करके मौत के मुंह में जाने से बच जाए? सर, सरमतुरा क्या है, पत्थरों की नगरी है, काम धंधा यही पथरीला इलाका है, मशीन से जो कचरा निकलता है सर, उसके लिए हम कलेक्टर साहब के माननीय कलेक्टर साहब के लिए एक लेटर लिखेंगे जिससे क्या है डंपिंग यार्ड की वो व्यवस्था करवाएंगे। नहीं, अभी जैसे डंपिंग यार्ड जो है महाकालेश्वर मंदिर से आगे इसको डंप किया जा रहा है, लेकिन वो डंपिंग यार्ड पूरी तरीके से हमने देखा है कि वो भर चुका है और वहाँ दलदल जैसी खाई बन गई है, उसमें बेजबान फंस रहे हैं, तो क्या उसी जगह को चिन्हित करवाएंगे या फिर कस्बा से काफ़ी दूर जहाँ डंपिंग किया जा सके जिसमें बेजबान पशु पक्षी या जानवर जो भी है फंसने से बच जाए? या तो सर वही जगह हम चिन्हित करेंगे क्योंकि वो जगह बहुत है, वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या है पत्थर के जो वो होते हैं कत्तर होते हैं ट्रैक्टर वाले उसको रास्ते में पटक के चले जाते हैं,
आगे का रास्ता खाली है, बीच में रास्ता भरा हुआ है, और जैसे ही हमको कोई खाली जगह मिलती है तो श्रीमान कलेक्टर साहब के लिए हम लेटर लिखेंगे, डंपे गार्ड की व्यवस्था करवाएंगे। अभी क्षेत्र में जैसे कोरोना चल रहा था, कोविड के लिए अभी मिनी अनलॉक हुआ है, तो जनता के लिए क्या कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता से मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे बाजार खुल रहा है, जनता ये नहीं समझे, पब्लिक ये नहीं समझे, हम ये नहीं समझे कि चलो बाजार खुल गया उसका इंतजार है। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, कोरोना हमारा इंतजार कर रहा है, बाजार खुल गया है, पब्लिक आएगी, कोरोना फैलेगा, कोरोना की अब तीसरी लहर भी आएगी जो कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट रहेगी। मेरा आप सभी से, जनता से यही अपील करता हूँ मैं कि बार बार तो हाथ धोएं, मुंह पे मास्क लगा कर रहें और ज़्यादा बाजार में अनावश्यक न घूमें। अक्सर देखा गया है कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में काफी भ्रम फैला हुआ है, अभी आपके समुदाय से भी बहुत से कम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, तो वैक्सीनेशन के लिए आप क्या करवाएंगे कि ताकि कस्बा के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेट किया जा सके? हम सर वैक्सीनेशन के लिए जन जागरूक एक कैंप लगवाएंगे और लोगों से हम खुद अपील करेंगे, भाई वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगेगी तो सेफ है, वैक्सीन नहीं लगेगी तो अनसेफ है, वैक्सीन लगवाओ जरूरी है। सर्वोत्तरा नगर पालिका के चेयरमैन जलाल खान जी का विजन चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहें और सर्वोत्तरा के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करें। धन्यवाद।